जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं काफी ठीक हूँ। आज आपको सामान दिखाती हूँ अंकल आंटी ने। वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैंने बहुत अच्छी बातें करी है बाद में। अब हर एक बंदे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छी बातें करी है, पर अपना कुछ दुख शेयर करा है आप लोगों के साथ। अपने मन की बात, पर्सनल नहीं, पर्सनल बातें कभी सोशल मीडिया पे नहीं होती। मन की बात शेयर करी है। और लास्ट तक वीडियो को देखना, स्किप मत करना। बैठ के वीडियो दिखा सकती हूँ मैं, कहीं आ जा नहीं सकती। ठीक है, पूरा वीडियो देखना है तो चलो मैं दिखाती हूँ। पहले तो मैं बता दूँ, मेरे से निकल नहीं जाते। अब मिठाई में मुझे सेब लाए थे हमारे लिए, और दो लिफाफे बड़े बड़े जलेबियों के थे। ठीक है, और ये एक ना, ये मैं फटाफट से दिखाऊंगी। मेरे कैपेसिटी नहीं बैठने की ना बात करने की। ये बहुत गर्म है, ये निकी पापा के लिए बहुत प्यारा है। ये देखो ये बहुत प्यारा है, गर्म है और हल्का है। हनी बोल रहा था मम्मी ये तो आप जैसे लोगों के लिए, मतलब जिनके गर्दन में दर्द होती है ना, उनके लिए। मैंने कहा नहीं, ये जेड्स है बेटा। भी हाँ है तो जेड्स, पर आप लोग इसको ना बड़ा कंफर्टेबली पहन सकते हो। बहुत गर्म है और सबसे बड़ी बात हल्का सा है। गर्म बहुत है, हल्का सा है बिल्कुल। इस तरह के इसमें बटन लगे हैं, बहुत प्यारा है। और ये मेरे लिए पर्स लेके आए हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मतलब बहुत ज्यादा सुंदर, इसका ना अलग जैसा कपड़ा। ये सामान ना वहीं से लेके आए हैं। अंकल जी आ गए थे 12 तारीख को अपने गढ़शंकर, और आंटी तो पहले आ गए थे। ये वहीं से लेके आए हैं कनाडा से। तो मतलब बहुत प्यारा सा है, काफी बड़ा है। इसमें मतलब सूट आ सकते हैं, 2-3 सूट, सामान अच्छा खासा। और इसके साथ ना एक ये भी, ये प्यारा सा छुटकू सा, ये देखो फोन के लिए होगा है ना साइड में। ये देखो बुरी प्यारी क्वालिटी है, बहुत अच्छा है मतलब। और ये बंद हो जाता है ऊपर से, ये यहाँ से बंद हो जाता है। ये देखो इस तरह से खुलता है और इस तरह से बंद हो जाता है। तो ये देखो है ना, बहुत प्यारा सा, बहुत ही प्यारा है। मुझे ये बहुत प्यारा लगा सच्ची में, बहुत ज्यादा। कितनी बार बोल दिया मैंने, बहुत प्यारा प्यारा सा उसका हुआ है। ठीक है, फिर से प्यारा सा बोल दिया। अब मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ अपने, पहले देखिए पापा के दिखा लेती हूँ। ये पैंट शर्ट है उनके लिए, अनसिले मतलब बिना सिले हुए, जैसे वो बोलते हैं कि हमारे देते हैं बेटी दामाद को, इस तरह से बोले थे। तो ये बहुत बहुत अच्छे हैं। ये देखो शर्ट है और ये पैंट है। पता नहीं मेरी आवाज़ आप तो लोगों तक तो कैसे पहुंच रही होगी, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। और अगला है ये सूट मेरे लिए, एक ये सूट है। और ये देखो इसके साथ ना बड़ा प्यारी स्टॉल है। ये देखो मैं सिलाऊंगी इसको भी। ये देखो कितनी प्यारी स्टॉल है ना, और ऑल ओवर एक जैसा है सूट। ये देखो है ना, अच्छा सुंदर है, बहुत सुंदर है। जो कोई हमें प्यार से देता है ना चीज़ें, वो पैसों की वैल्यू नहीं होती, देने वाले की भावना होती है कि वो किस तरह से हमें दे रहा है, कितने प्यार से हमें दे रहा है ना। अदरवाइज पता है क्या है, उनकी जान पहचान तो किरण दीदी की वजह से हुई थी। नहीं चाहते बात करना या आना नहीं चाहते, बहुत अच्छे लोग हैं सच्ची में। देने लेने से कोई अच्छा नहीं होता, मैं सच बोल रही हूँ, एक बार फिर से बोल रही हूँ। देने लेने से बस एक प्यार, एक अटैचमेंट होती है। बहुत से लोग हैं जो नहीं दे पाते लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं मेरे से। मेरे लिए उनका प्यार बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये देखो बाली लाइट है, बाल दशानु बालती है। तो ये देखो स्टॉल। अच्छा मैं सूट दिखाती हूँ, ये सूट है मतलब एक जैसा ही है पूरा। ठीक है, बढ़िया सूट है, बहुत सुंदर सूट है।
और दूसरा है भाई, एक ही शर्ट। अच्छा ये शर्ट पता उसमें थी, ये खाली शर्ट देते ना हमारे ऐसे, ये खाली शर्ट थी ऐसे मेरे के पापा के लिए देते ना शर्ट, शगुन की क्या देते हैं। अरे वाह मेरा बहुत प्यारा सा सूट, और जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद लगा, मुझे सारे ही पसंद है, और इसका कलर बहुत प्यारा है यार, इसका जो कलर है बहुत ही सुंदर है, मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, सच बोल रही हूँ मन से भाई। इसके दुपट्टे का जो वर्क है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ये देखो मैं इसकी तह भी नहीं मैंने उधेड़ी थी कल, ये देखो इसकी किनारी मेरे हैंडमेड है, मतलब अच्छी बहुत अच्छी कढ़ाई हो रखी है पिंक उसमें, ठीक है पिंक जैसी लाइनिंग है, बहुत ही प्यारा सूट है ये देखो। मैं दुपट्टा ऐसे ही तह लगा के रख दूंगी, और पता है ये मैंने कब सिलाने, में ये भी आप लोगों को बता दूं, आशु की शादी आ रही है, आशु की शादी फिक्स हो गई पता है आप लोगों को, मैंने इन बटनों को ज्यादा नहीं चढ़ाती मेरे, मतलब फिर ये ऐसा लगता है जैसे कोटी भारी हो गई तो सॉरी तो आशु की शादी आ गई, आपको खुशखबरी दे दूं, आशु की शादी आ गई तो ये मैं आशु की शादी के लिए सिलाऊंगी, फिर मैं कपड़े नहीं लूंगी और, बस तब तक रखे रखूंगी उनको ऐसे ही। ये दुपट्टा है, दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगा। और अब दिखाते हैं सूट, ये सूट है मतलब है तो ये सिल्क जैसी पता नहीं क्या है कपड़ा, लेकिन बहुत सुंदर है, मैंने क्या करना कपड़ा देख के, ठीक है एक मिनट मैं इसकी कढ़ाई दिखा देती हूँ, पर कहाँ से निकल, कल शाम को ऐसे ही तय लगा दी थी ये देखो। जी हूं तू भी बदले गए जो जो आ रहा है मेरे पास, मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको, छोटे छोटे बिंदु जैसे हैं बीच में, और बहुत प्यारा लगेगा ना मेरे ऊपर, कलर बहुत सोना है। अरे हो जाओ ऊपर, ये आगे पल्ला है, ये देखो इस तरह का पल्ला है। जो जो कहाँ यार जा, ये देखो ये पल्ला है इसका, बहुत सुंदर है, इतनी देर बाद जो ऊपर रह गया ना तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं टूट गए, बहुत गुस्सा आता है मेरे को कभी कभी अपने शरीर पे सच्ची। इसकी तह लगा देते हैं, इनमें लाइनिंग लगाऊंगी मैं दोनों में, फिर ये बहुत सेट सूट बनेगा। और अभी ना जो अंकल आंटी पहले देके गए थे ना पिछली बार, वो भी मैंने सिलाए ने दोनों सूट ना, आशु की शादी को सिलाऊंगी, ये देखो कलर बहुत प्यारा है, ऊपर से दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। तो बस ये रहा, बाकी बस ये था, तो कैसा लगे आपको। जो जो क्या कर रहा है तू यहाँ पे, चल उठ जा उठ जा, आगे में परे ही आगे में उठो, चलो तो क्या बोलते, बस मैं रख भी दूंगी इनको, कैसे लगे आपको, बहुत सुंदर है ना। आप ये सोचो ना, कपड़ों की बात छोड़ो, आप सुंदर हैं कैसे हैं उनका मेरे साथ, वो कभी भी उन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी थी पहले, सोचो आप कभी भी उन्होंने वीडियो नहीं देखी थी मेरी पहले, तो मतलब बस एक अटैचमेंट है दिल से। कल भी बार बार बोल रहे थे तू भी हमारी बेटी है, हम तेरे को बेटी से कम नहीं समझते, बताओ क्या रिश्ता है, कभी वीडियो नहीं देखी, कभी ऐसा नहीं कि मतलब कभी भी बात नहीं करी इस तरह, मतलब कभी, और जितनी भी बार आते हैं ना बहुत प्यार करते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब ये अपनी तरफ से एक, जैसे हम अपने बोलते हैं बेटी के घर में जाते हैं तो वैसे तेरे घर में भी आते हैं। उनकी एक बेटी थोड़ी सी वो है बेचारी अपाहिज ही समझ लो आप, बहुत उसकी करते हैं भगवान, उसको बहुत खुशियाँ दे, उसको मतलब ठीक कर दे, आंटी बोलते बहुत इलाज करवाया, तो बस माता रानी से प्रार्थना है कि वो ठीक हो जाए, तो आंटी हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, इसलिए वो शाम को किसी के घर में रुकते हो, जल्दी बस निकलते हैं, कौन आता है अपना नहीं आता, जो जो बस करना बस कर, बैठ जा अब यहाँ मेरे को परेशान करेगा, तो कौन आता है अपनी बीमार बेटी को छोड़ के, दो लड़कियों की शादी हो चुकी है, एक लड़की उनके पास रहती है, बेटा उनका वहीं पे है, उनका बेटा किरण दीदी के बच्चों का दोस्त है, तो बताओ कौन आता है किसी के घर में, जाता है कोई, है किसी को आजकल। मैंने बहुत से लोगों को अपने घर में बुलाया, अपनों को बुलाया, दूर की बात नहीं मैं कर रही हूँ,
कर क्या रहा है यहाँ पे, बड़ा परेशान करता है जो जो। बहुत से लोगों को बुलाया, ऐसे लोग थे जिनको मैंने बुलाया कि आओ मेरे घर में आओ, 50 दफ़ा बुला दिया। ऐसे बहुत अच्छा उठना बैठना था, लेकिन जब से घर बनाया तब से लोगों ने आना जाना छोड़ दिया। उनसे पता नहीं बर्दाश्त नहीं होती चीज़ कि क्यों बना दिया या क्यों ये ऊपर उठ गए, कुछ भी है। जब पुराने घर में थे तब नहीं किससे लेते थे। मैं ये सोच रही हूँ ना कि कितना फर्क होता है ना लोगों में। और बस मैं ये चीज़ देखती हूँ, मेरे घर तक आना, थोड़ी देर रुकना, नहीं बेटा हम चले गए, बेटी बीमार है। और इस बार मैं पक्का जाऊंगी, ये नहीं होता कि अपनी तरफ कोई चाहो, इस बार मैं पक्का जाऊंगी। मैं देखती हूँ बस, या हो ही गई अब कवर, अब दे देती है दूध है, तो मैं कुछ दिनों बाद देखती हूँ कि मेरे को जाना है और अंकल आंटी से मिलना है। वो कनाडा जाने से पहले एक ना अलग जैसी अटैचमेंट होगी उनके साथ। बहुत अच्छे हैं अंकल, बाय नेचर बाय हार्ट बहुत अच्छे हैं। मेरे को ऐसे आशीर्वाद दे के जाते हैं ना, ऐसा प्यार करके दे के जाते हैं ना, जैसा शायद अपने अपने भी नहीं, अब अपनों ने भी, जिन्होंने बहुत प्रॉमिस किए थे ना साथ चलने के, ज़िंदगी भर निभाने के, रंग बदल गए, रंग बदल देते हैं लोग। और वो लोग सच में यार बहुत अच्छे। अब मुझे ऐसा हो गया ना कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ बहुत जल्दी, किसी का प्यार देखती हूँ ना तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। कई बार तो भरोसा नहीं होता, इतने सिंपल लोग हैं, इतने सिंपल हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, तो चलो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जाऊँगी अंकल आंटी के पास, ज़रूर जाऊँगी, इस बार मैंने मन बना लिया है। चाहे मुझे 2 दिन किसी को बुलाना पड़े घर में गाय दूने के लिए, मतलब दो एक गाय को तो हनी दू लेता है ना, दूसरी गाय की प्रॉब्लम होती है, उसको दूने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो कुछ भी हो पर मैं उनके घर ज़रूर जाऊँगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने सच्ची में माँ बाप के पास जाऊंगी। और अब ना मेरा लेने देने से भरोसा उठ गया है, बस प्यार प्रेम ऐसे बना रहे ना तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। और शगुन पे हमारे को जो भी बनता है, बच्चों को पैसे देके गए हैं तो अंकल बहुत अच्छे हैं, सच्ची में बहुत अच्छे हैं अंकल जी, तो बात ही बिल्कुल नहीं करते। ठीक है मधु, हम चलते हैं पुत्र, हम चलते हैं। आंटी भी, अमनदीप आंटी, अमनदीप आंटी का नाम शायद। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि मधु अगर गढ़शंकर जाएगी, एक रानी दीदी हमारे वो भी गढ़शंकर से ही हैं, कि अगर गढ़शंकर जाएगी तो वहाँ का वीडियो ज़रूर बनाना। बहुत से लोगों के कमेंट आए थे, बहुत से लोग गढ़शंकर से बाहर रहते हैं, ज़रूर बनाऊंगी। तो वो इंडिया जितनी भी बार आते हैं ना, वो मेरे घर ज़रूर आते हैं। अपने घर वालों को टाइम नहीं है, बहुत बार सबको बोला कि आ जाओ, मैंने घर बनाया अंदर से देख लो कैसा है, 2 कमरे, मेरा कोई ज़्यादा बड़ा घर नहीं है जो लोगों को इतनी ज़्यादा वो हो गई है, जेलसी हो गई, मेरा कोई इतना बड़ा महल नहीं है, मेरे लिए तो महल है, औरों के लिए महल नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला कि आ जाओ यहाँ पे, मैंने घर बनाया है, पर नहीं। और उल्टा ना फिर मेरे को बोलना, आप लोगों को लगा मेरे में कोई चेंजिंग है, मेरी बातचीत करने में या मेरे पहनावे में या कुछ भी, फिर क्या बोलना, अरे घर बनाया इसका तो दिमाग खराब, अरे मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है बताओ। ये सारी चीजें कुछ साथ नहीं जाना, जैसे बीमारियां शरीर पकड़ लेती है ना, एक सेकंड का झटका है, सब कुछ खत्म, सब कुछ ये रह जाएगा। मुझे नहीं इन चीजों का गर्व, अगर जाना है ना इस दुनिया से तो कुछ लोगों को बना के जाओ जो आपके जाने के बाद भी आपको याद करे। यार कोई गया तो था पर वो बहुत अच्छा इंसान था। ठीक है, और मुझे कोई वो नहीं होता ज़्यादा ये देख के कि हाँ ये आ गया वो आ गया या बड़ा घर बन गया, अब तो जी दिमाग ठिकाने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ना। बस मेरे को अगर लोगों से बातें हो जाए, एक तो अब मैंने बहुत कम कर दिया है दायरा भी अपना बातचीत करने का, तो बस ऐसे ही है। और अब मैं ये बोलना मैंने छोड़ दिया है कि मेरे को ऐसा हुआ है, आप लोगों से यार शेयर करती हूँ, ज़रूर करूँगी। और मेरे को कोई भी जो मर्जी बोले कि ये बताती है ये बोलती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बहुत अच्छी दीदी है जो मेरे को समझती है, जो हमेशा मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करती हैं, बहुत अच्छी दीदी है मेरी, मतलब मैं किस किस का नाम लूँ, बहुत सारी है, बहुत सारी। संगीता दीदी, उर्मिला जोशी दीदी हैं, अरविंद दीदी हैं, सोनू दीदी हैं, और
जसविंदर कौर दीदी हैं, बहुत सारी दीदियां हैं हर जगह से हैं, हर कंट्री से हैं, जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, ठीक है, जो मेरा हाल चाल पूछती हैं, और उनको ये नहीं होता कि क्यों बता रही है। मलकीत कौर दीदी हमेशा बहुत सारी दुआएं करते हैं मेरे लिए, मेरे को वहां बैठ के समझते हैं। पर एक रहता है ना अपनों का कि यार अपने थे और हम उनको बहुत चाहते थे, बहुत तवज्जो देते थे, बहुत इज्जत देते थे। अरे मैंने किया क्या है, एक आता है ना सबके मन में एक क्वेश्चन कि एक तो होता है कि किसी ने कुछ बोला है, मैंने कुछ बोला है, तो यार क्यों मैंने कुछ बोला ही नहीं, यार उनको क्या हो गया, वो क्यों नहीं मेरे से बात करते, एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना हर इंसान के दिल में। बस तो ये मैंने छोड़ दिया है, बस नाम जपो भगवान का और प्यार से रहो, दो बोल प्यार के बोलो सबके साथ। कुछ नहीं लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, सब कुछ यही रह जाएगा एक सेकंड का। मैंने बोला ना 330 पे मेरा कोलेस्ट्रॉल था, मेरे को सभी बोल रहे, मेरे को डॉक्टर ने भी बोला 400 पे अगर पहुंच जाता है इतना ज्यादा आपको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। तो क्या घमंड किसी भी चीज का, क्या घमंड। बहुत मन है आप लोगों से बातें करने का, कि जैसे आपसे बातें करती रहूं करती रहूं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर किसी दिन बहुत सारी बातें करूंगी, मन में बहुत सारी बातें होती है। जय माता दी, राम राम। अपना ध्यान रखना होता है, पूरा शरीर काम आता है और कुछ नहीं, नाम जपो भगवान का। जय माता दी, राम राम। हाँ आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, आप लोगों ने मुझे यहाँ से यहाँ तक लाया, एक साधन बना रोजी रोटी का, मैं बैठ के भी बातें करूँ आप वो भी देखते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।